हरदोई के बावन कस्बा क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन ना करते हुए नहर में छलांग लगाते लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब घर से निकलने से परहेज करना चाहिए, उस समय बच्चे नौजवान नहर में छलांग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण फैलने का ज़रा भी भय नहीं है। यह लोग नहर में छलांग लगाते हुए ज़रा भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु परहेज नहीं कर रहे और नहर में छलांग लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। यह सब दृश्य आप अपनी आंखों से लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन शारदा नहर पुल के पास देख सकते हैं। इसमें जरूरी काम से ही बाहर निकलना है। जिन परिवारों के बच्चे हैं वो लोग अपने बच्चों को अपने घरों पे रखें, अनावश्यक रूप से कहीं नहर नदी नहर इत्यादि में नहाने के लिए न छोड़ें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है तथा उनके खिलाफ जो IPC की धारा 188 के तहत उनके जो परिजन हैं उनके खिलाफ FIR भी कराया जाएगा और इसके लिए संबंधित STM को निर्देशित कर दिया गया है तथा थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है अपने अपने क्षेत्रों में देखते रहें इस तरह की कोई घटना होने न पाए। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि नहर में नहाने तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए उप जिला अधिकारियों तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। अगर कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा नहर में नहाते हुए किसी को पाया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से उवैद खान की रिपोर्ट।